आईपीएल सीजन 16 का 4400 मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स ने 5 रन से अपने नाम कर लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चल रहे इस मुकाबले में दिल्ली ने गुजरात को 131 रन का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरे गुजरात टाइटंस की पारी 6 विकेट के नुकसान पर 125 रन बनाकर थम गई। आज गुजरात टाइटंस का शुरुआती बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ा गया। कप्तान हार्दिक पांड्या की नाबाद सबसे अधिक 53 गेंदों पर 59 रन की कप्तानी पारी टीम को जीत नहीं दिलवा पाई। टीम का पहला विकेट बिना खाता खोले बल्लेबाज धीमान साह का गिरा। साह 6 गेंद खेलकर गुजरात के गेंदबाज खलील की गेंद पर फिलिप सॉल्ट के हाथों में कैच थामा बैठे। वहीं शुभमन गिल का बल्ला भी 7 गेंदों पर 6 रन बनाकर रुक गया। दिल्ली के तेज गेंदबाज एंड्रिक नौरखिया की गेंद पर मनीष पांडे ने शुभमन गिल का कैच लपक कर मैदान से चलता किया। 26 रन के स्कोर पर गुजरात को तीसरा झटका बल्लेबाज विजय शंकर के रूप में लगा। विजय शंकर 9 गेंदों पर 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दिल्ली के गेंदबाज ईशांत शर्मा ने विजय शंकर को क्लीन बोल्ड कर मैदान से चलता किया। वहीं डेविड मिलर अपना खाता भी नहीं खोल पाए। डेविड मिलर 3 गेंद खेलकर दिल्ली के कुलदीप यादव की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए, लेकिन अभिनव मनोहर दबाव के बीच खेलते हुए 33 गेंदों पर 26 रन गुजरात के लिए जोड़ कर गए। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के खलील अहमद की गेंद पर अमन खान ने कैच लपक कर अभिनव मनोहर को मैदान से चलता किया। बल्लेबाज राहुल तेवतिया की बल्लेबाजी ने मैदान पर एक बार गुजरात के खेमे में जीत की उम्मीद जगा दी थी, लेकिन 7 गेंदों पर 20 रन बनाकर तेवतिया की पारी थम गई। दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की गेंद पर राइली रूसो ने तेवतिया को कैच आउट किया। वहीं राशिद खान 2 गेंदों पर 3 रन बनाकर नाबाद रहे। इस रोमांचक मुकाबले में 5 रन से जीत का स्वाद चखने वाली दिल्ली के गेंदबाजों के प्रदर्शन की बात की जाए तो ईशांत शर्मा और खलील अहमद ने 2-2 विकेट चटकाए। वहीं एनरिक नौरखिया और कुलदीप यादव को 1-1 सफलता मिली।